हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट टेल डॉक्टर वंस अगेन। तो अभी हम शुरुआत करेंगे एक इंट्रो की, लेट द इंट्रो प्ले। ये बनाई है शौर्य गोयल ने, मेरे सब्सक्राइबर ने। थैंक यू शौर्य, एंड इज 13 इयर्स ओल्ड एंड येट ही हैज मेड अ वेरी गुड इंट्रो। तो पहले प्ले करते हैं इंट्रो। तो आपको पसंद आएगी शौर्य गोयल की इंट्रो। तो जैसे ही वो इसमें थोड़ी और एडिटिंग करेगा तो और थोड़ी बदल देंगे, तब तक यही चलाएंगे। एंड आज हम आपको बताएंगे ड्रोन टेक डॉक्टर के ऊपर 5 ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप बिगिनर ड्रोन पायलट हैं, तो या आप बिगिनर ड्रोन फ्लायर हैं। नंबर एक, कभी भी अकेले ड्रोन उड़ाने मत जाएँ। अगर आप अकेले ड्रोन उड़ाएँगे तो कभी भी अकेले ड्रोन मत उड़ाएँ, हमेशा एक एक्सपीरियंस बंदे को साथ में रखें। अगर आपके साथ कोई बंदा एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी एक बंदा और रखें आपके साथ, अपना दोस्त, अपना फ्रेंड। उससे होता है कि आपका एक मोरल बिल्ड होता है, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, जिससे आपको थोड़ा हौसला रहता है। तो हमेशा डबल एक दोस्त के साथ ही पहली बार ड्रोन उड़ाने जाएं। नंबर टू टिप, हमेशा स्टार्टिंग में बिगिनर ड्रोन लेकर ही अपना हाथ साफ करें। अगर आप DJI का स्पार्क जैसा ड्रोन लेंगे, जो कि प्रोफेशनल थोड़ा सा स्टार्टिंग अच्छे लेवल पर गिम्बल वाला ड्रोन है, वो लेंगे तो आपका अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो नुकसान आपका ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एज ए बिगिनर डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करेंगे, मिस्टेक से ही आदमी सीखता है। तो हमेशा बिगिनर लेवल ड्रोन स्टार्ट करें, और बिगिनर लेवल ड्रोन मैंने बताए हुए हैं टेलो या मीटू, इन दोनों के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और हो सकेगा तो आई बटन में भी लगा दूंगा, तो आप उसको चेक करें। तो वही लें ड्रोन सबसे पहले, उसमें आपके ड्रोन में कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पक्का है एज ए बिगिनर आप ड्रोन क्रैश ज़रूर करेंगे। तो सीधा हाई लेवल के ड्रोन्स पे कभी जंप मत करें, हमेशा बिगिनर ड्रोन से स्टार्ट करें। नंबर 3 टिप, हमेशा ज़्यादा जो ड्रोन है ऊंचा मत लेके जाएं अगर आप बिगिनर हैं, और हमेशा लाइन ऑफ साइट में। ये बिगिनर ही नहीं, ये तो हमेशा अगर आप प्रो भी हो जाते हैं ड्रोन फ्लाइंग में, तब भी आपको लाइन ऑफ साइट में रखना है ड्रोन। तो एज ए बिगिनर आपने क्या करना है कि ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, बिल्कुल पास में रखना है ड्रोन, और अपनी लाइन ऑफ साइट में हमेशा बनाए रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका ड्रोन सेफ रहेगा और आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। हमेशा लाइन ऑफ साइट में ड्रोन रखें। टिप नंबर 4, कभी भी किसी भीड़ वाली जगह में ड्रोन मत उड़ाएं। हमेशा खुले ग्राउंड में जहां पर कम आबादी हो वहीं पर ड्रोन उड़ाएं, क्योंकि अगर वहां पर आपका ड्रोन क्रैश भी होगा तो घास पे गिरेगा ग्राउंड में होगा तो, और कोई वहाँ आबादी नहीं होगी तो किसी को चोट नहीं लग पाएगी, आप सेफली सीख पाएंगे थोड़ा ड्रोन फ्लाइंग। तो हमेशा इफ़ यू आर बिगिनर ऑलवेज फ्लाई इन ए ओपन एरिया, लेस पॉपुलेटेड एरिया। एंड नंबर 5 लास्ट टिप, ये बिगिनर उनके लिए है जो DJI Spark यानी 250 ग्राम के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे, मतलब 250 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन पे उड़ाने वाले हैं, तो हमेशा परमिशन ज़रूर लें। लेकिन अगर आपके पास नैनो ड्रोन है तब आप ये स्किप कर सकते हैं स्टेप, क्योंकि नैनो ड्रोन में कोई परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, एक ज़रूर बात ध्यान रखिए कि आप किसी सेंसिटिव एरिया जैसे एयरपोर्ट या कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, वहाँ पर ड्रोन ना उड़ाएं। तो ये 5 टिप्स थी आपकी जो आपको हेल्प करेंगी एज ए बिगिनर ड्रोन उड़ाने में, और सेफली ड्रोन उड़ाने में हेल्प करेंगी। तो ऐसे सीरीज़ आएंगी अब मेरे कुछ टिप्स की, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ में स्टेप्स आपको बताऊंगा, 5 एज ए प्रो, 5 एज ए बिगिनर। तो ये थे 5 एज ए बिगिनर। आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, ड्रोन टेक डॉक्टर। आई एम हेयर टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स ऑन ड्रोन। ये आपके लिए जन्म लाया, ड्रोन फ्लाइट्स के लिए जन्म लाया, ड्रोन पायलट्स के लिए जन्म लाया। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिखता भी हूँ ड्रोन्स के ऊपर, मेरा ब्लॉग है DroneTechDoctor.com पर, तो प्लीज़ उसको आप फॉलो कीजिए, पढ़िए, उसमें सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें हम वीडियो में नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं जो लिखी जाती हैं, तो वो उसमें मैं लिखता हूँ, तो आपको इससे ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यू कैन विजिट दैट, होप आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू, जय माता दी।